कृष्णा, जय जगन्नाथ। क्या आपको पता है कि रथ यात्रा का महत्व क्या है, क्यों सालों से चलती आ रही है ये रथ यात्रा? सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इसी ब्लॉग में, सो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर चार धामों में से एक है। यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप में जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा देवी के साथ विराजते हैं। एक बार सुभद्रा देवी ने नगर देखने की इच्छा प्रकट की और इसीलिए उनके भाइयों ने रथ तैयार किया और फिर यही रथ में वो लोग नगर देखने के लिए निकल पड़े। हर साल ये त्योहार आषाढ़ महीने के द्वितीय तिथि पे आता है और दुनिया भर में ये बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। यहाँ भावनगर की रथ यात्रा भारत में तीसरे नंबर पे आती है। सबसे पहले उड़ीसा, दूसरा आता है अहमदाबाद और तीसरा आता है हमारा भावनगर। सो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ भावनगर की बहुत ही उल्लास से भरी रथ यात्रा। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ रोड पे ऐसे रथ यात्रा देखने के लिए, बट जो मेन रथ आता है उसके पहले स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 80-90 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक्स आती है जिसमें अलग अलग परफॉर्मेंस होते हैं, अलग अलग सोशल मैसेज कैरी करते हैं वो लोग, अखाड़ा होता है, काफी परफॉर्मेंसेस होते हैं एंड यहाँ पे सब जगह अलग 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 डिस्टेंस पे बहुत सारी सेवाएं देते हैं लोग, पानी की, शरबत की, खाने पीने की, और ये माहौल बहुत ही अच्छा होता है। और ये इस बंदर को देखिए, हाय। ओके, सो हम ऐसे निकल गए हैं और बस 10-15 मिनट में सब ट्रक्स आना स्टार्ट होगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि वो लोग किस तरह से अलग अलग सोशल मैसेज कैरी करते हैं एंड बस बने रही ये ब्लॉग में। हेलो, हेलो, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप देख सकते हैं कि ये रोड अभी इतना खाली है और ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं, अपनी प्लेस सिक्योर कर लेते हैं ताकि जब यहाँ से पूरा प्रोसेशन पास हो तो वो लोग को जगह मिल जाए। ये थोड़ी देर में पूरा रोड ऐसे भर जाएगा एंड वो नजारा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अलग होगा। ये देखिए, सकते हैं बस प्रोसेशन आने की तैयारी है। सीआरपीएफ की टीम, पुलिस की टीम, सब कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है एंड बस अब इंतजार है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का, आप नजारा देखिए जिस तरह से। आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा सिक्योरिटी, कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स इसमें लगती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है, इट्स नॉट एन इजी जॉब एंड ट्रक्स आना शुरू हो गई है अलग अलग मैसेजेस के साथ। यस, देख सकते हैं कि ये रोड अब पूरा माहौल बदल गया है। ये देखिए, और ये देखिए हमारे शुभारंभ करने के लिए सबसे पहले आते हैं हाथी महाराज। एकदम बचपन की यादें याद आ जाती है ना। देखिए,
श्री राम, बोलो जय श्री राम। और ये है त्रिशूल। ऐसे अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट जाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इसके ऊपर पूरे रथ जैसा सजाया है, सिंहासन है भगवान श्री काल भैरव का। और ये देखिए बच्चों की मनपसंद ट्रेन, और ये ऊपर मंकी। और आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर लिखे हुए होते हैं ट्रक पे। जो अलग अलग मैसेज कैरी करते हैं, जैसे कि गर्ल चाइल्ड है, विमेन एम्पावरमेंट, सेव द एनवायरमेंट, अलग अलग। इतना बड़ा प्रोसेशन में ये पब्लिक से अनुरोध है कि यहाँ पे एक क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए। जो भी प्रसाद मिलता है, शरबत मिलता है, ग्लास है, कुछ भी है, नीचे मत फेंकिए। एंड आई एम श्योर ये पब्लिक नेक्स्ट टाइम, अगर ये इतनी अवेयरनेस भी फैला रही है, तो नेक्स्ट टाइम ख्याल भी रखेगी कि ये हमें यहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है। और उत्साह देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बस भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ की आने की तैयारी है। कुछ ही मिनटों में यहाँ पे रथ आएगा और लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं भगवान की एक झलक के लिए, एक दर्शन के लिए। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है अंदर रथ में जाने के लिए, फिर भी लोग ऐसे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जनाब देखिए नक्श के लिए टॉय लेने जा रहे हैं। कैप ले भी जावी नक्श। और ये हम सबका फेवरेट मिकी माउस। और ये देखिए ट्रक के अंदर ये लोग ने कितना बेहद खूबसूरत सा मंदिर सजाया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया ये लोग ने कि ज्यादा या एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया से क्या होता है। ये बहुत ही अच्छी ट्रक है एंड इसका मैसेज भी बहुत अच्छा है। और ये है अभी जो रिसेंटली राजकोट के गेम जोन में जो फायर लगी थी, जो आग लगी थी, उसके ऊपर है कि फायर सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि पूरा रोड अभी खाली हो गया है क्योंकि सब ट्रक्स जा चुकी है
एंड इस बार ऑलमोस्ट 77 to 80 ट्रक्स ने ही पार्टिसिपेट किया था। अभी जो मेन जगन्नाथ जी का रथ है वो थोड़ा यहाँ से थोड़ा नहीं काफी दूर है, सो हम जल्दी से घर जाते हैं, खाना खा के वापस आते हैं, तब तक यहाँ पे रथ आ चुका होगा और बहुत ज्यादा भीड़ होगी। सो बोलो हमारे साथ जय जगन्नाथ। भाव से भरी भावनगर की रथ यात्रा, आई होप आप सब ने ये ब्लॉग एंजॉय किया है। मैंने बेस्ट ट्राई की है आपको दर्शन दिखाने की, बट बहुत शोर था, बहुत ज्यादा शोर था, काफी जगह मेरी आवाज आपको ऑडिबल नहीं हुई होगी, बट दैट वाज इट। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट में जरूर लिखना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड विथ दैट टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड जय जगन्नाथ की जय जगन्नाथ।